तो फाइनली गाइज, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट आपको कितने टाइम देखने को मिलेगा और इसकी फिक्स डेट क्या है। एंड गाइज, गेम के न्यू अपडेट में हमारी निशान GTR कार देखने को मिलेगी या फिर नहीं, वो भी आपको बताने वाले हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि आप सब गेम में निशान GTR कार को कैसे ले सकते हो, उसका चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। एंड गाइज, साथ में ये भी बताने वाले हैं कि गेम में दो कौन सी बाइक को रिमूव किया जा रहा है और उसकी जगह पर कौन सी दो बाइक को ऐड किया जा रहा है। जो न्यू बाइक ऐड होंगी उनको आप सब कैसे ले सकते हो और उनका चीट कोड नंबर क्या होने वाला है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में फुल डिटेल से बताने वाले हैं। और गेम में जितने न्यू अपडेट आए हैं, साथ में जितने भी न्यू चीट कोड हैं, वो सारे न्यू चीट कोड बताने वाले हैं। तो इसीलिए गाइज, आप लोग वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइज, आपको बता देते हैं जो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट आ रहा है उसमें आप सब दो न्यू बाइक कौन कौन सी देखने को मिलेगी और कौन दो बाइक को गेम से रिमूव किया जा रहा है और जो दो न्यू बाइक को गेम में ऐड किया जा रहा है उनका चीट कोड नंबर सेम रहेगा या चीट कोड नंबर चेंज किया जाएगा। तो गाइज, जो गेम में इस बार की अपडेट में मॉडिफाइड पल्सर ऐड की जाएगी उसकी पिक हमें रोहित गेमिंग स्टूडियो सन ने सेंड कर दी है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हो, न्यू मॉडिफाइड पल्सर देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइज, रोहित सर्कल न्यू यामाहा की पिक सेंड करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में मैं आपको न्यू मॉडिफाइड पल्सर बाइक के बारे में, साथ में यामाहा R15 के बारे में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड गाइज, जो गेम में दोनों न्यू बाइक ऐड की जा रही है उनका सेम चीट कोड नंबर रहेगा। जैसे आप पहले 5000 डाल करते थे तो ओल्ड वाली पल्सर बाइक देखने को मिल जाती थी, लेकिन न्यू अपडेट आने के बाद आप 5000 डाल करोगे तो न्यू मॉडिफाइड पल्सर बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड गाइज, और न्यू अपडेट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो न्यू अपडेट में आपको ये वाली न्यू थार देखने को मिलेगी, उसका चीट कोड नंबर आगे बताने वाले हैं। उससे पहले हमारे गेम में जो पानी देखने को मिलता था उसका कलर रोहित सर ने चेंज कर दिया है। अब गाइज, बात कर लेते हैं इस बार के अपडेट में निशान GTR कार देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो गाइज, इस बार के अपडेट में निशान GTR कार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका मॉडल रोहित सर ने जिसे बनवाने को दिया था वो इसका मॉडल ठीक से बना नहीं पाया है, जिसके कारण इसे रोहित सर ने गेम में ऐड नहीं किया था। रोहित सर निशान GTR का मॉडल रिडिजाइन करवाएंगे, तो क्या आपको इस बार के अपडेट में निशान GTR कार देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। तो गाइज, आप लोगों को बता दें कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, यानी कि 5 तारीख को आपको गेम का न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर इतने टाइम में हमारे निशान GTR कार का मॉडल दोबारा से बन जाता है तो गेम के इस बार के अपडेट में निशान GTR कार ऐड हो जाएगी। फिलहाल गाइज, आपको बता दें कि निशान GTR कार इस बार के अपडेट में देखने को नहीं मिलेगी, नेक्स्ट अपडेट में आपको निशान GTR कार 100% देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइज, आपको इस बार के अपडेट में RGS टूल में न्यू चीट कोड देखने को मिलेंगे और मैं आपको सभी RGS टूल के अपडेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज, अब मैं आपको बता देता हूं कि इस बार के अपडेट में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। तो गाइज, आप लोगों को इस बार के अपडेट में ओल्ड थार देखने को मिल जाएगी, जिसका चीट कोड नंबर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और साथ में पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वाले देखने को मिल जाएंगे और NPC देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ जेल के अंदर एक कैदी देखने को मिल जाएगा और पुलिस स्टेशन के अंदर लाइट को ऐड कर दिया गया है। और जितनी चीजें मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई है इतनी चीजें हमारे गेम के न्यू अपडेट में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको कुछ और न्यू चीजें देखने को मिलेगी वो हमारे RGS टूल से रिलेटेड होगी और न्यू अपडेट के सारे चीट कोड कल के वीडियो में बता देंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।